गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और भाई हम जा रहे हैं अभी मेगा मॉल गुड़गांव। आज हमने मूवी बुक करी है द केरला स्टोरी, और अभी हम निकलेंगे यहाँ से 8:15 के करीब। नहीं, 8 बजे निकल जाएंगे, अभी 8:15 है। मैं और मयंक जा रहे हैं, 9 बजे का शो है भाई, और बस निकलने वाले हैं हम यहाँ से 10-15 मिनट में। देखते हैं मूवी, सब इसकी तारीफ कर रहे हैं इस मूवी की, हम भी देखते हैं भाई ऐसा क्या है इसमें। और भाई नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, फिट फॉर, बस जूते पहनने बाकी है। मयंक नहा रहा है भाई अभी, पहन ले जल्दी जूते वूते। ओ भाई तू भी खाएगा, खिला दू इसको, खाता है ले। ओ तिरिक्की, अच्छा जी। भाई सामने मयंक, मयंक गुजर, बैठ जल्दी बैठ। और भाई हल्की हल्की ना आंधी सी चल रही है। अब 8:10 हो रहे हैं, 9 बजे का अपना शो है, पहुंच जाएंगे आराम से। अभी पूरे 50 मिनट है भाई। और भाई अभी हम पहुंच गए हैं बख्शी फार्म हाउस पे, और फिर चढ़ते सीधा हाईवे पे। भाई शीशा कर लिया हमने साफ, हल्के हल्के पानी के ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं आपको। भाई अर्जुनगढ़ मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हम, और मुझे लगता है मूवी करनी पड़ेगी हमें कैंसिल, क्योंकि एज लिमिट का कुछ रिस्ट्रिक्शन है, 18 साल से ऊपर के बच्चों को अलाउड है, और ये नहीं देख पाएगा, तो ये नहीं देख पाएगा तो मैं भी नहीं देख पाऊँगा फिर। या तो हमें मूवी टिकट किसी और को देने पड़ेंगे, देखते हैं। चलो वहाँ पर थिएटर में पहुँच के बात करते हैं, वरना तो पैसे ख़राब जानेंगे भाई। कोई बात नहीं भाई, सिकंदरपुर रेड लाइट पर खड़े हुए हैं अभी हम, 2 मिनट का रास्ता है, मॉल दिख रहा है यहाँ से। भाई ये रहा सामने मेगा मॉल, और वो पी गया। चलते हैं, खड़ी कर दी हमने गाड़ी। से कौन दूसरा? मुझे लगा मेरे पास है, और फोन गया नीचे। भाई गाड़ी खड़ी कर दिया, और हम जा रहे हैं जल्दी से, देखते हैं कि मैं उनकी एंट्री हो पाएगी नहीं हो पाएगी। भाई सर यहाँ पर है व्यू, तो यहाँ पे है इसका बढ़िया। यहाँ से कूदना है, ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से निकलना है। भाई हमने ना कैंसिल कर दिया शो, हमने ना रिफंड मिल गया है, क्योंकि इसको अलाउ नहीं करेंगे, तो हम कोई और मूवी बुक कर रहे हैं अभी फिलहाल। IBN 7 है, कितने बजे किया? जा रहे हैं MGF गुड़गांव में, यहाँ हमने कर दिया कैंसिल। और हम जा रहे हैं कोई और मूवी देखने, एक्शन मूवी है, मूवी तो देखेंगे आज, कोई बात नहीं। केरला स्टोरी किसी अपने दोस्त के साथ देख लूँगा मैं, फिलहाल देख लेते हैं भाई मयंक के साथ कोई एक्शन मूवी है। IBF 7 पता नहीं कुछ ऐसा कुछ नाम है, वहीं देख के बताएंगे भाई। आ गए हैं शेरनी के पास, और भाई 8:50 का शो है, हमें निकलना जल्दी। शो स्टार्ट होने में भी 15-20 मिनट लग जाते हैं। पहुंच गए हम मॉल में, देखो 8:52 हो रहे हैं, 8:50 पे हम वहाँ से चले थे, 2 मिनट में हम यहाँ पर आ गए। और पार्किंग में कितना टाइम लग जाए ये नहीं सकते भाई। और लिफ्ट विफ्ट के आसपास लगा, ये रही ना लिफ्ट लॉबी, ये रही सामने। अरे भाई नहीं पाए। पहुंच गए हैं, और ऊपर पहुंच के देखते हैं भाई टिकट मिलती है नहीं मिलती। चेक कर लेंगे भाई, भाई 8:50 का शो है, और
टाइम हो गया 8:56, लिफ्ट के सामने वेट कर रहे हैं हम, कोई 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे ऊपर, मूवी देख लेंगे आराम से, कोई इशू नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली नहीं। हाँ, फर्स्ट पे आ गए, 10 मिनट तो लेट हो गए। कहाँ करंट मार रही है वो भाई, इसको करंट लग रहा है, ये भी मजे ले रहा है यार। अरे नहीं लग रहा वो, वैसे महसूस हो रहा है वो। हाँ यार लग रहा है सही में, मेरे को भी लगा। हाँ भाई मेरे को भी लगा कसम से भाई। IB71 5 और 6 कर रहे हैं भाई हम बुक। ऑनलाइन चेक करा तो भाई सारी बुक हो गई थी, हमारे से तोते उड़ गए कि आज तो सारा सीन ख़राब हो गया, मगर अभी अवेलेबल है टिकट। अभी 5 मिनट में टिकट लेके चलते हैं फिर अंदर, टिकट डिलीट करूँगा ना। तो भाई फाइनली टिकट आ गई अपने पास और अब हम चलते हैं मूवी देखने, यहीं तो जाना हमें। चलो भाई फाइनली आ गए अंदर, खुश हो गया। चलो भाई वो मूवी हमारे नसीब में ही नहीं थी आज, कोई बात नहीं। फाइव सिक्स 1-2-4 हो रहा। चलो भाई आ गए, चलते हैं, हमें जाना है ऑडी नंबर 4 में। के यहाँ पहुंचते ही चीन और पाकिस्तान हम पर हमला करने वाले थे। इंटरवल हो गया और बाहर आ गए अब। चलो भाई खोलियो, बड़ा खोल लेना बाहर बाहर को। अंधेरों में भी दूर से टारिश दिखाते रहे, आपको भी फतेह मुबारक। फतेह मुबारक बजा। फतेह अभी अधूरी है, भारत सरकार से मैं अपने 36 भाइयों को रिहा कराना है। और हाँ, अगर उन्होंने हमारी शर्त नहीं मानी तो हम इस जहाज को जला देंगे। जेलों में सड़ेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अगर उन्होंने ने पूरी कोशिश की इस हाईजैक को भारत की साजिश साबित करने की, पर वो नाकामयाब रहा। एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तानी आर्मी का वेस्ट से ईस्ट पाकिस्तान में मूवमेंट कमजोर पड़ गया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया और सिर्फ 13 दिनों में ही भारत ने पाकिस्तान को हराया और पूरी ईस्ट पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। उनका मकसद भारत के ईस्टर्न स्टेट्स को तोड़ने का था, लेकिन हमने दुश्मन। मूवी हो गई खत्म और निकल रहे हैं भाई घर के लिए। आ गया मजा, बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया।
लगी है भूख और कुछ खा के चलेंगे अब घर, ठीक है ना भाई। वो खड़ी अपनी शेरनी भाई, पूरी पार्किंग खाली पड़ी है, एक दो ही गाड़ियां खड़ी है बस। चलो भाई चलते हैं शेरनी। ओ भाई साहब, चलो भाई चलते हैं। Do wear your seat belts for a safe drive. अब जरूरत नहीं है भाई। मूवी कौन सी देखने आए थे और देख के कौन सी जा रहे हैं, क्या बात है। केरला स्टोरी देखने आए थे और देख ली फाइट फूट। चलो भाई अब निकल लिए हम बाहर। मोटी चैन मोटा पैसा दिखा तो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी, चोरी चिल्ला भाई पैसा ही पैसा। भाई हम आ गए फॉरेस्टा, आज तो है भैया यहाँ तो ये डोल रहे खड़ी, खड़ी तो। आ गए भाई फॉरेस्टा, आ गए मोनू भाई की वेट कर रहे हैं। बढ़िया बना रखा है भाई, तीन दिन तो ढूंढ रहे हैं यार, आज मिलो आज पकड़ में आया। यार भाई इन दोनों भी मिले, यहाँ घने दिन में मिले कर रहे, हम तो आते रहे भैया थमी ना मिलो यहाँ। भाई को भी YouTube चैनल बनवा रहे हैं अब हम, भाई को भी अब YouTube से ये भी अब कल से वीडियो डालेंगे भाई, इंटरेस्ट ले लगा देखो दोरा, आज दोरा बैठते नहीं इंटरेस्ट फुल। चलो भाई निकल लिए घर के लिए, ठीक है मोनू भाई। चलो भीड़ देखो यहाँ, इस टाइम इधर इतनी ज्यादा भीड़ रहती है ना। चलो भाई गिटोनी में एंटर कर गए, टाइम 1:14। हमारी नींद है ना भाई, अभी मैंगो शेक पियेंगे फिर करेंगे भाई आराम। ये देखो भाई कैसे लहराते हुए ले जा रहा है इसको, घर को घर जा रहा है पूरा, कंटेनर है कंटेनर। भाई आ गए हैं घर पे और चुपचाप गेट वेट खोल के अंदर जाएंगे और करेंगे फिर आराम। शेरनी लगा दिए भाई अंदर छोटे हाथीन के पास, अब चलते हैं। और चलो भाई अब इस व्लॉग को करते हैं हम एंड, और फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय तो कर दे, बाय बाय बाय।